दोस्तों, अगर हम देश के बड़े बैंकों की बात करें, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक HDFC बैंक की बात करें, तो क्या भारतीय बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, क्या वो अपनी ब्याज दरों में कमी करने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, एक बड़े संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जी डी टेकी से। तो आप देख सकते हैं, मैंने पंजाब नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। आज से 20-25 दिन पहले जो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने एक स्पेशल प्लान 666 डेज FD प्लान की जो ब्याज दरें हैं उनमें कमी की थी, लेकिन एक बार फिर से जो है ब्याज दरों में बदलाव किया गया है और ब्याज दरों में कटौती की गई है। तो क्या है बड़ी अपडेट, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, नीचे आने के बाद डिपॉजिट पे आता हूं। डिपॉजिट पे आने के बाद देखिए मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट ओपन करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। तो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो क्या हुआ जी, इसी महीने की शुरुआत में यानी जून महीने की शुरुआत में 1 जून 2023 से जो ब्याज दरें हैं फिर से रिवाइज की गई हैं। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं थोड़ा जूम करता हूं। पहले जूम करने के बाद आप देखिए 18/5/2023 को जो ब्याज दरें बदलाव हुआ था उसके बाद 1 जून से फिर से बदलाव किया गया है। अगर हम देखिए 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सेम ही है जी। जर्नल पे 3.50%, नई ब्याज दरें भी सेम है 3.50%, सीनियर सिटीजन के ऊपर 4.00%, नई ब्याज दरें भी सेम है जी 4.00%, इसके अलावा सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर 4.30% और नई ब्याज दरें भी सेम ही है जी। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप देखिए 30 से 45 दिन के लिए अगर हम बात करें तो ब्याज दरें बिल्कुल सेम है। उसी तरह से 46 से 90 दिनों के लिए अगर हम बात करें तो ब्याज दरें इसमें भी सेम है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया। अब आप सोचेंगे कि जो ब्याज दरें रिवाइज की गई हैं वो फिर कहाँ पे की गई हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं 6 महीनों से लेकर 270 दिनों तक, तो इसमें भी ब्याज दरें बिल्कुल सेम ही आपको मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर FD जो कि है 1 साल की, तो देखिए दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.80% था, अब जो मिलेगा 6.75% है। मतलब के 0.05% की जो कटौती की गई है, हालांकि ये कटौती मामूली ही है लेकिन कमी जो ब्याज दरों में की गई है। उसी तरह से सीनियर सिटीजन के ऊपर 7.30%, अब आपको मिलेगा 7.25%, सुपर सीनियर सिटीजन पे 7.60% और अब मिलेगा जी 7.55%। इसके अलावा अगर हम बात करें 18 मई को 444 डेज जो प्लान है वो फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो 666 डेज का प्लान है उनकी ब्याज दरों में भी कटौती पहले की गई थी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट जितनी भी हैं बदलाव नहीं किया गया है। मतलब कि अगर हम कहें 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर बदलाव हुए हैं पिछले 1 महीने में, और जो स्पेशल FD प्लान है 666 डेज उसमें भी बदलाव किए गए हैं। तो अब हम क्या समझें कि जितने भी और बैंक हैं, चाहे हम SBI की बात करें या एक और बड़े बैंक HDFC बात करें या इसके अलावा जितने भी बैंक हैं, क्या वो अपने ब्याज दरों में कटौती करेंगे? जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो इस वीडियो में